नमस्कार दोस्तों, मेरी चेतना पर आपका स्वागत है। बुद्ध को रिप्रेजेंट करती मेरी एक छोटी सी कविता बुद्धम शरणम गच्छामि मैं पढ़ने जा रहा हूँ। बुद्ध मेरे कान में मत बोलो बुद्धम शरणम गच्छामि, तुम्हारा बुद्धत्व तो विरक्ति का मार्ग सुझाता है, तुम्हारा बुद्धत्व तो विरक्ति का मार्ग सुझाता है और मैं ठहरा अनुरक्ति का पुजारी। मुझे खिलते हुए फूलों में आसक्ति है, भ्रमरों का गीत मुझे अच्छा लगता है, इनसे विरक्ति मेरे लिए सहज नहीं। तुम जन्मे राजा के घर, इसीलिए शायद तुमने आसानी से चुन लिया पलायन का रास्ता। कर दिया यशोधरा का परित्याग सोते हुए राहुल के साथ, पर मैं कैसे चलूं तुम्हारी राह। मुझ पर तो 2 जून की रोटियों की जिम्मेदारी है, मुझे उन उम्मीदों का मान भी रखना है जो मुझे सफलता के शिखर पर देखना चाहती हैं। अभी मुझे बच्चे की तरह मुस्कुराना है, बुद्ध तुम भले एशिया के ज्योतिपुंज हो पर मुझे अपनी माँ की आंखों में जगमगाना है। इस असार संसार की पीड़ा सहते हुए लोगों की पीड़ा पर मरहम लगाना है। मुझे अभी समेटना है अपनी प्रेयसी को अपनी भुजाओं में, अभी महसूस करना है पिता होने का सौभाग्य, अभी उतारना है पिता के ऋण को, लगाना है भाई को गले से। बुद्ध तुम जिसे मोह कहते हो, उसकी अनगिनत जंजीरों में जकड़ा हुआ मैं भला कैसे कह दूं। बुद्धम शरणम गच्छामि।